हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन लॉयर। आज की वीडियो में हम पोर्टुला का मतलब मॉस रोज का टावर कैसे बनाए ये देखेंगे, और उसकी केयर कैसे रखे और उसे कौन सा फर्टिलाइज़र दे ये देखेंगे। इसलिए हमारा पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले हमें टावर बनाने के लिए दो पीवीसी पाइप चाहिए होंगे, एक थोड़ा बड़ा और एक उससे थोड़ा छोटा। आप हमारी साइज़ देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा बड़ा लेंगे उतना हमारा टावर अच्छा दिखेगा। अब हम सोल्डरिंग की मदद से उसे पाइप को छेद करेंगे। मैं छेद राउंड पैटर्न में कर रहा हूँ, आप कौन से भी पैटर्न में कर सकते हैं। आपको सोल्डरिंग मार्केट में 150 से 200 में मिल जाएंगी, नहीं तो आप किसी से बोरो भी कर सकते हैं। अब हम उस पाइप को भी चेक करके लेंगे। ऐसे करके आपको सभी को चेक करने के बाद इसकी ऊपर वाली प्लास्टिक ऐसे करके निकालनी है। आप कुछ भी लेकर वो प्लास्टिक निकाल सकते हैं, आप चाकू भी ले सकते हैं। ऐसे करके हमने दोनों की प्लास्टिक निकाल ली है, और मैंने उसके छोटे हुए छेद भी बड़े कर लिए थे। अब हमें ऐसे मिट्टी में जाने वाली पत्तियां निकालनी होगी, इससे हमारे फंगस भी नहीं होगा। ड्रेनेज के लिए मैंने पेपर लिया है। हमें पॉट भी ज़्यादा छोटा नहीं लेना है, क्योंकि उस पाइप में भी मिट्टी होगी, इसका वज़न वो पॉट उठा सकता है, इतना हमें लेना है। अब हम उसमें मिट्टी भर लेंगे। आपको पॉटिंग मिक्सचर 40% गार्डन सॉइल, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड लेनी है। हमारा टावर प्लांट करने के लिए रेडी है। मैंने उसमें सभी मिट्टी भर ली है। अब हम ऐसे करके उसमें मॉस रोज के डालेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें मिट्टी में जाने वाले सभी पत्ते निकालने हैं, इससे हमें अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा और हमारे प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होंगे। पोर्टुला का पौधे को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इससे हम ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे, पर दिन में एक बार हमें थोड़ा थोड़ा पानी देना ही है, क्योंकि हमने ये पौधे अभी ग्रो किए थे। ये 6 दिन का रिजल्ट है। हमारे पोर्टुला का अच्छे ग्रो हो गए हैं। हमारा एक ही मरा हुआ था, वो मैंने अभी चेंज कर लिया। फर्टिलाइजर्स भी हमें उस स्प्रे में ही डाल के देने हैं। आप कौन से भी फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। ये हमारा 20 दिन बाद का रिजल्ट है। हमारे मॉस रोज को एक फ्लावर भी आ चुका है। आपने वर्मी कंपोस्ट दिया तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो प्लांट भी ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ दिन बाद हमारे मॉस रोज को और भी
फूल आने स्टार्ट होंगे। ये हमारा 45 डेज के बाद रिजल्ट है। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इस टावर को हमें बारिश में नहीं रखना चाहिए, इससे आपके जार को फ्लावर्स नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, इफ यू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।